इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और नींद को गहरा कैसे किया जा सकता है, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे योगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं रात तक सो नहीं पाता, और रात में सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार चलते रहते हैं, और जब मुझे नींद भी आ जाती है तो मैं पूरी रात करवट बदलता रहता हूँ, और जब सुबह नींद खुलती है तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, मैं खुद को थका हुआ और अशांत महसूस करता हूँ, कृपया आप मेरी समस्या का कुछ समाधान बताइए, बौद्ध भिक्षु ने कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम के गहरी नींद के रहस्य के विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। उस इंसान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मुनिवर, बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया। जब तथागत गौतम बुद्ध सोते थे तो वह पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे, वह कभी करवट भी नहीं बदला करते थे, वह जिस अवस्था में रात्रि को सोते थे सुबह उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास ही सोया करता था। आनंद को एक बात बहुत परेशान करती थी कि आखिर गौतम बुद्ध एक ही शारीरिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। जब कभी भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए पाता। यह बात उसके मन में बहुत से प्रश्न पैदा करती, लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास चला गया। उसने मध्य रात्रि में ही गौतम बुद्ध को नींद से जगा दिया और कहा, तथागत मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूं कि आपसे प्रश्न पूछने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि आप पूरे दिन चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं, वह उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन मेरी अंदर की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और यह देखता आ रहा हूं कि आप पूरी रात केवल एक ही अवस्था में गुजार देते हैं, आप जरा सा हिलते डोलते भी नहीं, तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर सोते ही नहीं। गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही व्यवस्था ढूंढ ली है, अब सोते समय मुझे हिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूं जबकि मेरा शरीर सो जाता है, लेकिन मैं जागृत रहता हूं। प्रश्न यह नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर हिल मिलता है कि नहीं, शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में रह नहीं पाता, असली कारण तो मन है, यह मन ही है जो कि शांत है और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब चीजों से परे आ चुका हूं, अब मेरे अंदर मन जैसा कुछ बचा ही नहीं, जब मैं सोने जाता हूं तो मेरे शरीर बस एक मृत शरीर की भांति हो जाता है, मन जैसा कुछ बचता ही नहीं। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? या तो हमारा मन ही है जो कि हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी यह सब कम करवाता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तब तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जागृत रहोगे, भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटी से जलते हुए दीपक की तरह लगातार प्रचलित रह गई। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर इंसान से कहा, एक जागृत इंसान न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देगा, बल्कि वह अपने मन को भी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत आदमी सामान्य आदमी की तरह नहीं सोते, जब सामान्य आदमी सोते हैं तो वह अवचेतन हो जाता है, उसे अपने आसपास का भी पता नहीं होता, इसलिए वह अपने सपनों को कभी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागरूकता होता है, जैसे सुबह आंखें खुलती है वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी होती है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि व्यक्ति कभी सोते नहीं है। जब एक आम इंसान सोने जाता है तो उसे नहीं पता चलता कि वह कब सो रहा है, लेकिन यदि तुम जागने और सोने के बीच उस छोटे से पल में जब हम सोने के एकदम करीब होते हैं जागृत रह पाएं, तो कुछ अद्भुत घटित होगा जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। यह सुन उस इंसान ने कहा, मुनिवर मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिक की बातें समझ नहीं आती, कृपया आप मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से गहरी नींद न आने के 5 प्रमुख कारण है। पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा भी अन्य काम करना, जैसे कि बहुत से लोगों की आदत होती है, वह बिस्तर पर ही खाना खा लेते हैं, बिस्तर पर ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं,
और ऐसे ही बहुत से काम वह सन कक्ष में करते हैं। सोने कक्ष का अर्थ ही होता है सोने की जगह, लेकिन लोग इसे अन्य कामों के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में सोने कक्ष का एक निश्चित अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए फिर जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हमें सोना है, क्योंकि आपने इसकी उसी जगह पर अन्य कामों को करने की आदत डाल दी है। दोस्तों, अगर आज के समय के अनुसार बात करें, बिस्तर पर मोबाइल चलाते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर ही करते हैं, चाहे मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गप्पे मारना हो, आजकल लोग अपना अधिकतर समय बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे गुजार देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में बिस्तर अब एक सोने की जगह नहीं रही। और यह एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हम घंटों तक नींद नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रम में एक भिक्षु सुबह सोकर उठते हैं, अपने बिस्तर का त्याग कर देते हैं और फिर वह दोबारा रात में सोने के वक्त ही बिस्तर पर वापस जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता है कि बिस्तर पर आने का अर्थ है गहरी नींद में जाना आरामदायक नींद न आने का दूसरा कारण है सोने के एक निश्चित समय का निर्धारित ना होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर तुम सुबह जल्दी और पूरी नींद लेकर उठना चाहते हो तो तुम्हें रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा एक निश्चित समय पर सोने से कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पच वाला भोजन ग्रहण करते हैं और रोज रात एक निश्चित समय पर सोने चले जाते हैं, तो इस तरीके से वह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो अधिकतर लोगों का ना तो सोने का समय फिक्स है और ना ही उठने का, और ना ही वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम होना चाहिए, बल्कि उनका तो मन खाना ही रात को होता है। वीकेंड के दिन हो देर रात तक जागते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं है। रात में मूवी देखने शुरू कर दी तो चाहे कितनी ही रात हो जाए, मूवी पूरी खत्म करने के बाद ही सुने जाएंगे। समय और जीवन में कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं है, और फिर यही वो रोग है जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और पूरे दिन अशांत और थका हुआ महसूस करते हैं। योग संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना भी सकते हैं, और अगर नहीं समझे तो बिगाड़ भी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना होने का तीसरा कारण है सोने से पहले नकारात्मक विचारों के बारे में सोचना। आप जैसे विचार के बारे में सोचते हैं, सुबह आंखें खुलते ही आपके मन में सर्वप्रथम वैसे ही विचार आते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो सुबह आप उन्हीं के साथ उठते भी हैं। बिस्तर में लेटे हुए जब हम बिल्कुल सोने वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और इस समय हम अपने अंदर पैदा कर रहे होते हैं। हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव नहीं कर पाता। इसे यह नहीं मालूम कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। यह बस पर्याप्त सूचनाओं पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हम सोते वक्त अपनी समस्या और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने की बजाय उन अच्छी चीजों और कामों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। हमेशा ही रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन चीजों के बारे में विचार करें जो आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद न होने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने सुना होगा कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके मत सोना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उत्तर की तरफ सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से हमारे शरीर का बहुत सारा रक्त मस्तिष्क की तरफ जाने का प्रयास करता है, और मस्तिष्क में पाए जाने वाले नसों का बहुत पतला होने के कारण उनके फटने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर कोई इंसान काफी बुजुर्ग है और कमजोर है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर उत्तर की तरफ सिर करके सोने वाले लोग जब सुबह उठते हैं तो अपने सिर में एक तनाव महसूस करते हैं और उन्हें पूरी रात बेचैनी व करवट बदल बदल कर बिताई होती है। दूसरी गलती जो लोग अपनी सोने की अवस्था में करते हैं वह यह है कि बस किसी भी तरीके से सो जाते हैं। वह इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए या फिर अपने बाईं तरफ के करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त खिंचाव नहीं पड़ता। सोते वक्त ज्यादा मोटे गद्दे का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ती है और गहरी नींद में रुकावटें आती है।
साथ ही ज्यादा मोटे तकिया का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और यह आपके गहरी नींद में एक रुकावट का कारण बनता है। देर रात तक नींद ना आने का और रात भर नींद में बेचैन रहने का पांचवां कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना। अगर आप रात में भारी और अधिक तेल युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे हमारी नींद में भी व्यवधान पड़ता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचने में काफी ज्यादा समय और ऊर्जा लगती है। इसीलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो कोशिश करिए कि उन्हें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही खा लें। उस इंसान ने कहा, मुनिवर मैं तो समझ गया कि गहरी और आरामदायक नींद ना आने का क्या कारण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।